एंड में आपको डिसइनफेक्ट करना है। सो पेशेंट जब डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल में से या फिर मर जाता है, तो उसके बाद उसके जो कपड़े हैं या उसकी डेड बॉडी है उसको डिसइनफेक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड एज टर्मिनल डिसइनफेक्शन। एंड नेक्स्ट है प्रोफाइलैक्टिक डिसइनफेक्शन। सो व्हाट इज़ प्रोफाइलैक्टिक? दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोफाइलैक्टिक एंड सेकेंड है क्यूरेटिव। ओके, सो प्रोफाइलैक्टिक, सो दो टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट वन है प्रोफाइलैक्टिक एंड सेकेंड इज क्योरेटिव। सो क्योरेटिव मतलब क्या? एक बार अगर डिजीज़ हो जाता है, सो डिजीज़ होने के बाद आप अगर दवाई दे रहे हो, मेडिसिंस दे रहे हो, सो दैट इज़ कॉल्ड एज क्योरेटिव थेरेपी। बट डिजीज़ हुआ नहीं है, बट पहले ही आप उसमें प्रिवेंशंस लाइक फ्यूचर में होगा, इसलिए अगर आप उसको वैक्सीन्स या मेडिसिंस दे रहे हो, सो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोफाइलैक्टिक। क्योरेटिव मतलब डिजीज़ होने के बाद, एंड प्रोफाइलैक्टिक मतलब डिजीज़ होने के पहले फॉर द सेफ्टी पर्पज। सो थर्ड जो है टाइप ऑफ प्रोफाइलैक्टिक डिसइनफेक्शन, मतलब पेशेंट डिजीज्ड नहीं है बट फ्यूचर में चांसेस है, तो इसलिए आप पहले से ही प्रिवेंटिव कॉजेस मेजर्स लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क एंड हैंड वॉशिंग एक्सेट्रा। सो दीज आर द थ्री टाइप्स। सो फर्स्ट आप लिखोगे डिसइनफेक्शन का डेफिनेशन, देन दीज थ्री टाइप्स ऑफ डिसइनफेक्शन यू विल राइट। देन नेक्स्ट उसमें लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइनफेक्टेंट्स। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइनफेक्टेंट, थ्री मेन टाइप्स, नेचुरल, फिजिकल, केमिकल। नेचुरल में आता है एयर एंड सनलाइट। सो एयर सुखा देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ड्राई कर देता है तो वो मर जाएंगे। सनलाइट द सेम थिंग है। हीट, हीट में आप बर्निंग बर्न कर सकते हो, हॉट एयर है, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव्स वगैरह कर सकते हो, ये सारा आता है हीट में। देन नेक्स्ट है रेडिएशन। सो रेडिएशंस में आप लिखोगे दो टाइप्स, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेज। आयोनाइजेशन में ग्रेट पेनेट्रेटिंग पावर रहता है, अल्ट्रावायलेट में उनका पेनेट्रेटिंग पावर थोड़ा कम रहता है, बट ये दोनों भी आप यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइनफेक्टेंट पढ़ते हो, आप ये पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। सो यू हैव टू डू दिस क्लासिफिकेशन, ये आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। एंड उसके बाद हर एक में एक एक सेंटेंस भी आप लिखोगे तो भी काफ़ी हो जाएगा, लाइक एयर किसके लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेडिएशन है, सो आयोनाइजिंग रेडिएशंस कैन बी यूटिलाइज फॉर स्टरलाइजिंग कैटगट। कैटगट मतलब सर्जिकल ड्रेसिंग्स रहता है, सूचर्स एंड लीकेजर्स। ओके, सो ड्रेसिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। देन अल्ट्रावायलेट रेज है, तो वो हॉस्पिटल को स्टरलाइज करने के लिए, ऑपरेशन थिएटर्स को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। तो हर एक चीज़ किसके लिए यूज़ होता है, क्या डिसइनफेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, वो आपको लिखना है अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइनफेक्टेंट। सो लाइम है, फॉर एग्जाम्पल लाइम अभी यूज़ किया जा रहा है फिशेज को डिसइनफेक्ट करने के लिए। देन ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज फॉर स्प्यूटम, पस, वाटर, पोटेशियम परमैंगनेट यूज फॉर कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। सो जितने भी इसमें याद रहते हैं आप एक एक पॉइंट लिख सकते हो कि कौन सी चीज़ों को डिसइनफेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। सो ये है बेसिकली टाइप ऑफ डिसइनफेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइनफेक्टेंट। तो आपका यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसइनफेक्शन, टाइप्स ऑफ डिसइनफेक्शन एंड क्लासिफाइड डिसइनफेक्टेंट, ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, कि डिजीज कैसे ट्रांसमिट हो जाते हैं। ऊपर के सारे क्वेश्चन आई होप समझ में आ गए होंगे। ओके, सो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी, एम यूजेस, डिसइनफेक्शन ऑफ स्प्यूटम, फीसेस, यूरिन, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी। देन शॉर्ट नोट ऑन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट वी हैव कंप्लीटेड, व्हाट इज डिसइनफेक्शन, डिसइनफेक्टेंट एंड डिसइनफेक्शन। देन अभी नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। सो फॉर दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। दो टाइप होते हैं मेन, डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अंडर डायरेक्ट ट्रांसमिशन देर आर 4 टाइप्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, 5 टाइप्स, कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, इनोक्यूलेशन टू स्किन एंड म्यूकोजा, ट्रांसप्लासेंटा। सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, लाइक स्किन इन्फेक्शन जो है, टिटैनस है या फिर ट्रैकोमा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में से हो जाती है। देन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है लाइक कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग की वजह से फैलते हैं, सो दैट कॉल्ड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सो अगर डिजीज पर्सन है वो नॉर्मल ह्यूमन के साथ बातें कर रहा है
बातें करते करते छींक के खा रहा है, खांस रहा है, तो जो होगा इन्फेक्शन दैट इज़ कॉल्ड अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन का सेकेंड टाइप है। देन थर्ड टाइप, कॉन्टैक्ट विथ सॉइल। सो अगर बेयर फुट आप चल रहे हो सॉइल में से, तो टिटैनस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, दे इनोक्यूलेशन टू स्किन। सो जो सेक्शुअल डिजीज रहते हैं लाइक एड्स है, सिफिलिस, गोनोरिया, कंटामिनेटेड नीडल सीरिंजेस की वजह से होते हैं, दैट इज इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन मतलब थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू इनोक्यूलेट किया गया है। देन फिफ्थ वन इज ट्रांस प्लासेंटल। सो प्लासेंटल मीन्स प्लासेंटा के थ्रू। सो अगर मदर को कोई भी डिजीज है तो वो प्लासेंटा के थ्रू बेबी को पहुंच जाएगा। सो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन में फाइव टाइप्स है, डायरेक्ट, ड्रॉपलेट, कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, इनोक्यूलेशन एंड ट्रांस प्लासेंटल। देन सेकेंड टाइप है उसका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, उसमें आपको फाइव एफ याद रखने लाइक फ्लूइड एंड फूड। सो अगर इन्फेक्टेड फूड है, कंटामिनेटेड फूड है, फ्लूइड है, तो उसकी वजह से आपको व्हीकल बॉर्न डिजीज हो जाते हैं। व्हीकल आप ये चीज़ें याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, आपको सिर्फ ये फाइव चीज़ें जो है फ्लूइड, फूड, फ्लाइज, फोमाइट्स एंड फिंगर्स, ये चीज़ें याद रखना, ये नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। सो टाइफॉइड एंड एग्जाम्पल, सो फ्लूइड एंड फूड, अगर कंटामिनेटेड फ्लूइड है, कंटामिनेटेड फूड है, तो उसकी वजह से कौन से डिजीज हो गए, तो वो आपको याद रखना है विथ दिस एग्जाम्पल्स। देन कम्स फ्लाइज। सो हाउस फ्लाइज की वजह से डायरिया है, डिसेंट्री है, वो लाइक वेक्टर बॉर्न। सो फ्लाइज में आप मॉस्किटोज वाली डिजीज भी ऐड कर सकते हो। सो जो मॉस्किटोज की वजह से फैलते हैं वो भी वेक्टर बॉर्न ही होते हैं। सो आपको ये चीज़ अगर व्हीकल, वेक्टर नहीं समझ में आ रहा है तो मत याद रखना, फ्लूइड, फूड, फ्लाइज, फोमाइट, फिंगर्स ही याद रखना। देन मलेरिया है, सो फ्लाइज के साथ साथ मॉस्किटोज भी इसमें आ जाते हैं। देन फोमाइट। सो फोमाइट मतलब क्या, डिजीज पर्सन जो भी है, उस डिजीज पर्सन के जो भी कपड़े रहते हैं, टॉवेल, जो भी चीज़ें वो यूज़ करता है, उस चीज़ों पर पॉजिटिव एजेंट्स फैले हुए रहते हैं। वही पॉजिटिव एजेंट्स अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टच कर लेता है तो फिर उसके डिजीज होने की लाइक चांसेस होते हैं। सो दैट कम्स अंडर फोमाइट बॉर्न ट्रांसमिशन। सो फोमाइट बॉर्न में क्या होता है, डिप्थेरिया है, टाइफॉइड फीवर है, तो ये सारी फोमाइट्स की वजह से हो सकता है। एंड देन कम्स फिंगर बॉर्न। फिंगर बॉर्न मतलब हाथों की वजह से, अगर गंदे हाथ यूज़ किए हो आपने खाना बनाते वक्त वगैरह, तो ये सारी चीज़ें फिंगर बॉर्न में आ सकती है। सो उसके एग्जाम्पल, सो आपको एग्जैक्टली मोड ऑफ ट्रांसमिशन में दो मेन टाइप्स है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली के अंदर ये फाइव टाइप्स एंड इनडायरेक्टली के अंदर ये फाइव टाइप्स एंड उसके एग्जाम्पल्स। सो फाइव फाइव टाइप्स करने हैं विथ एग्जाम्पल, एंड हो सके तो उसके ऊपर एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करना है। सो ये आएगा आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो आपका ये जो क्वेश्चन है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट यू हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है जो कि रिपीट हुए हैं क्वेश्चन पेपर्स में, तो ये सारे क्वेश्चन है। एंड देन लास्ट है इसमें डिटेल्स ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन एंड डोज शेड्यूल। सो उसका मैंने आपको चार्ट दिया था, तो उस चार्ट पे आपको एक्चुअल में लिखना था लाइक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में एच ई सी बी का जो भी PPT है उसमें भी अवेलेबल है ये। सो इन्फेंट चिल्ड्रन चार्ट में आपको मिलेगा, इन्फेंट चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमन के लिए कौन से एज ग्रुप में आपको कौन से वैक्सीन्स देने हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। सो आप फर्स्ट लिखोगे इन्फेंट्स, देन यहाँ पे आपका एज ग्रुप आएगा, तो आप एज ग्रुप एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद उसको कौन से वैक्सीन्स देने हैं, नंबर ऑफ डोजेस, पर्टिकुलर वैक्सीन कि डोजेस कितने लाइक टू डोजेस है, थ्री डोजेस है, वन डोजेस है, तो ये सारे नंबर ऑफ डोजेस में आप मेंशन करोगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आता है इंट्रा मस्क्यूलर देना है या इंट्रावीनसली देना है, तो ये सारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड रिमार्क में, रिमार्क में अगर ये जो दो डोज है, अगर दो डोज मिस हुए हैं तो क्या करना है, तो ये जो पूरा चार्ट है वो आपके HECP के PPT में ऑलरेडी है। सो वो सिर्फ चार्ट आपको बाहर करना है, एंड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ये लिख देना है। तो यही है आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का आंसर। देन डेफिनेशन, डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी दी है एंटीजन एंटीबॉडी वैक्सीन के, तो वही आपको यहाँ पे बाहर करने हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये फाइव टाइप्स एंड इनडायरेक्ट में ये फाइव टाइप्स विथ एग्जाम्पल्स, यहाँ पे आपको विथ एग्जाम्पल्स बाहर करना है। एंड ये मेन है, यहाँ पे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता है, बट फॉर कंसेप्ट थिंग। सोर्स कॉजेटिव एजेंट, सो कॉजेटिव एजेंट जहाँ से भी आते हैं उसको कहा जाता है सोर्स। देन रिजर्वायर, रिजर्वायर मतलब सोर्स में से कॉजेटिव एजेंट एक ऐसी चीज़ों पे चले जाते हैं जहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या फिर डिवाइड हो सकते हैं, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एज रिजर्वायर। एंड रिजर्वायर से जाते हैं वो होस्ट में, होस्ट मतलब
एट दी एंड ह्यूमन्स. सो सोर्स, देन कम्स रिजर्वायर एंड देन कम्स होस्ट. रिजर्वायर के तीन टाइप्स रहते हैं, ह्यूमन, एनिमल एंड नॉन लिविंग. नॉन लिविंग में फोमाइट्स आते हैं, आपको कोई भी चीज़ जिसके ऊपर कॉजिटिव एजेंट बढ़ रहा हो. ह्यूमन्स में केस एंड कैरियर. केस एंड कैरियर मतलब क्या? केस, ओके. सो द केस इज, ओके. सो एनिमल एंड ये जो केस है, रिजर्वायर. सो केस एंड कैरियर दो टाइप्स के ह्यूमन रिजर्वायर होते हैं. सो व्हाट इज केस? केस मतलब पर्टिकुलर ह्यूमन बींग जिसके अंदर कॉजिटिव एजेंट्स प्रेजेंट है, ओके. सो कॉजिटिव एजेंट्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट एंड कॉजिटिव एजेंट उसके पास सिम्टम्स भी होते हैं, लाइक वो पर्सन जो है खुद सफ़र भी कर रहा है एंड दूसरों को वो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड भी करता है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज स्प्रेड, सॉरी केस. सो केस क्या होता है कि कॉजिटिव एजेंट्स प्रेजेंट है बॉडी में, सिम्टम्स भी है एंड वो जो ह्यूमन है, वो ह्यूमन पेशेंट दूसरों को इन्फेक्शन स्प्रेड भी कर रहा है. एंड कैरियर, कैरियर मतलब क्या? उसके अंदर कॉजिटिव एजेंट्स प्रेजेंट रहते हैं. सो कॉजिटिव एजेंट्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी बट उसको सिम्टम्स नहीं होते हैं. सो उसको खुद को कोई भी सिम्टम्स नहीं रहेगा, खुद सफ़र नहीं करता है बट हाँ वो दूसरों को स्प्रेड ज़रूर करता है इन्फेक्शन. सो केस मतलब क्या? खुद भी सफ़र करता है, दूसरों को भी स्प्रेड करता है. कैरियर, उसमें कुछ खुद में कुछ सिम्टम्स नहीं है बट पॉजिटिव एजेंट उसके बॉडी में है एंड दूसरों को वो स्प्रेड करवाता है. दैट इज़ केस एंड कैरियर. ये है दो टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिजर्वायर. देन कैरियर के अंदर भी टाइप्स है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिखवा के दी है, ओके. सो कैरियर के अंदर भी फर्स्ट टाइप है इनक्यूबेटरी. सो व्हाट इज़ इनक्यूबेटरी कैरियर? इनक्यूबेटरी, इनक्यूबेशन मतलब पर्टिकुलर पर्सन है. सो पर्सन में कॉजिटिव एजेंट चला गया है, ओके. सो कॉजिटिव एजेंट जब एंटर करता है बॉडी में तब से लेके फर्स्ट सिम्टम जब दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज इनक्यूबेटरी पीरियड, ओके. सो पर्सन के बॉडी में पॉजिटिव एजेंट ने एंटर किया है तब से लेके फर्स्ट सिम्टम दिखने तक ये जो पीरियड है उसको कहते हैं इनक्यूबेटरी पीरियड. सो इनक्यूबेटरी कैरियर मतलब क्या? ऐसा पर्सन जो कि इस फेज में है, कोई भी पर्सन जो इस फेज में है, मतलब उसको सिम्टम्स अभी तक दिखाई नहीं दिए बट फिर भी वो डिजीज को स्प्रेड कर रहा है दूसरों तक, दैट इज कॉल्ड एज इनक्यूबेटरी कैरियर. देन सेकेंड वन है कॉन्वेलेसेंट कैरियर. नाउ कॉन्वेलेसेंट कैरियर में पीरियड ऑफ रिकवरी, मतलब कोई भी पर्सन स्प्रेड कर रहा है इन्फेक्शन को, ओके. कोई भी पर्सन डिजीज को स्प्रेड कर रहा है बट वो खुद रिकवरी पीरियड में है. रिकवरी पीरियड मतलब क्या? वो खुद हील हो रहा है, उसका जो भी डिजीज है वो कम हो रहा है, खुद रिकवर हो रहा है बट रिकवर होते होते वो दूसरों को डिजीज स्प्रेड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वेलेसेंट. खुद रिकवर हो रहा है बट दूसरों को डिजीज स्प्रेड कर रहा है, दैट इज कॉन्वेलेसेंट. देन थर्ड है हेल्दी कैरियर. हेल्दी मतलब ये अपेरेंटली हेल्दी दिखता है, ऊपर ऊपर से ये हेल्दी दिखेगा बट अंदर से उसके बॉडी में भी पॉजिटिव एजेंट है. सो अपेरेंटली मतलब नकली, ओके. सो ऊपर ऊपर से वो हेल्दी दिखता है बट दूसरों को डिजीज स्प्रेड करता है, दैट इज कॉल्ड एज हेल्दी कैरियर. देन फोर्थ वन है टेम्पररी कैरियर. टेम्पररी कैरियर मीन्स दे स्प्रेड डिजीज फॉर शॉर्टर पीरियड. सो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ दिनों के लिए वो डिजीज स्प्रेड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पररी कैरियर. एंड द लास्ट वन इज क्रॉनिक कैरियर. क्रॉनिक मतलब क्या? सीवियर. सो लॉन्गर पीरियड के लिए वो डिजीज को स्प्रेड करता है. सो लॉन्गर पीरियड के लिए डिजीज स्प्रेड करेगा, ओके. सो बेसिकली ये है केस एंड कैरियर. सो केस कैरियर, कैरियर्स के टाइप्स है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने लिखवा के दी है, ऊपर ऊपर से मैंने अभी एक्सप्लेन किया है. तो मोस्टली सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर द एपिडेमियोलॉजी थिंग.
ओके आई हैव कंप्लीटेड व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी, डिसइन्फेक्शन ऑफ स्प्यूटम फीसेस, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में वैक्सीन टॉक्सॉइड्स वगैरह आपको एक्सप्लेन करना है, नेशनल इम्यूनाइजेशन में आपको वो चार्ट लिखना है डोज शेड्यूल का, व्हाट इज डिसइन्फेक्शन में डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मतलब थ्री टाइप्स ऑफ डिसइन्फेक्शन एंड डिसइन्फेक्टर मतलब नेचुरल फिजिकल केमिकल, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, इसमें आपका ये कंप्लीट हो जाएगा एपिडेमियोलॉजी। दीज आर द ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिपीट हुए हैं। ओके okay?